जी इंडिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। ओ माय गॉड, अनबीटेबल टीम है, कोई भी इसको नहीं हरा सकता। पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारी है, जबरदस्त हो गया। और रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन, इंग्लैंड की टीम को आउट क्लास कर दिया, वो भी इतने आराम से। पक्का लग रहा है कि फाइनल्स तो है इंडिया का। मोस्ट डिजर्विंग टीम है, हर लड़का इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, इंडिया को एडवांस में वर्ल्ड कप की कांग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फातिमा हसीब, वेलकम टू माय चैनल। और आज सेमीफाइनल का बिग मैच होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और दोनों ही बहुत जबरदस्त टीमें हैं, बहुत अच्छा पिछले मैचेस जितने भी खेले हैं उन्होंने अच्छे ही खेले हैं। इंडिया तो भाई टॉप पे जा रहा है, तो देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है और कौन जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग सपोर्ट करना ना छोड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। और वीडियोस पूरी पूरी देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं आपके लिए। तो जी अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हो सका है क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है। उम्मीद यही है कि आज का मैच पूरा हो, किसी रिजर्व डे पे ना जाए, वो बीच में जो गैप्स आ जाते हैं ना फिर उसमें मजा नहीं आता। तो हमें पूरा मैच देखना है और देखते हैं कि मैच कब स्टार्ट होता है। जैसे वहां बारिश हो रही है ऐसे ही यहाँ पर भी हो रही है। कल तो बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, आज भी बहुत जबरदस्त मौसम बना हुआ है, ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। लेकिन बारिश ना ही हो तो अच्छा है ज्यादा, क्योंकि हमारा प्लान है और कहीं बाहर जाने का, आउटिंग वगैरह का। तो मौसम बहुत जबरदस्त हुआ हुआ है और बारिश स्टार्ट होने का यहाँ पर भी 100% चांस है। सो देखते हैं वहाँ की बारिश कब रुकेगी और यहाँ की बारिश कब स्टार्ट होगी, लेट्स। तो जी मैच स्टार्ट हो गया है और इंग्लैंड ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया। अब देखते हैं कि इंडिया बैटिंग कैसी करता है, फास्ट खेलेगा, स्लो खेलेगा, कैसा खेलेगा कुछ नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं कि विराट कोहली अच्छा खेले, क्योंकि पिछले जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें उसने अपना बेस्ट नहीं दिया है, कम ही खेला है, इतना कोई खास नहीं खेला। इस दफा देखते हैं वो कैसा खेलता है, कहाँ तक हम जाते हैं बैटिंग बॉलिंग में। और अभी अभी मैच स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। चले जी मैच तो चल ही रहा है, रोहित और कोहली बैटिंग पर आए हैं एज अ ओपनर। और थोड़ी सी हम मैच पे बात करते हैं, सबसे पहले हम पूछेंगे हसीब कैसे हैं आप। हेलो कैसे हैं। तो आज जो सेमीफाइनल स्टार्ट हो गया है तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। आज का मैच मुझे लगता है कि टफ होगा, इजी नहीं होगा आज का मैच, क्योंकि दोनों बहुत ही तगड़ी टीम है। ये तो मैच इंडिया की टीम पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट खेली, एक मैच ही हारी है इंडिया की टीम, मतलब इंडिया ने तो एंड कर दिया है। एक एक लड़का उनका परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ विराट कोहली के अलावा, विराट कोहली भी मुझे लग रहा है आज के मैच में परफॉर्म करेगा, हो सकता है। हां उसकी फॉर्म नहीं है, बाकी इंडिया पूरी टीम उनकी परफॉर्म कर रही है। और इंग्लैंड भी इसी तरह स्टार्ट के मैच हारे तो उसने फिर कमबैक किया और सेमीफाइनल में पहुंचा है। इनका मैं सोचता हूँ कि पट्टर को अगर उन्होंने संभाल लिया ना इंडियन टीम ने, तो फिर इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा है आज का मैच जीतने के, क्योंकि उनका पट्टर जो है ना इंग्लैंड का बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेयर है मेरे हिसाब से। सही, उसकी 50 हो गई तो समझो इंग्लैंड मैच आ जाएगा। आज देखते हैं इंडिया की टीम कितना स्कोर देती है। दोनों ही भाई स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जीत जाएगी वो जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंड में ही फैसला होगा कि कौन सी टीम जीती। तो अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है और रोहित और कोहली की बैटिंग चल रही है, देखते हैं कि कहां तक पहुंचते हैं, शायद हाफ सेंचुरी भी कर लें क्योंकि आज बड़ी फॉर्म में लग रहे हैं। देख लेकिन यार इंडिया की बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन उसने बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा अपने आप को इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है यार। हर बंदा ही अच्छा खेल रहा है, मतलब एक होता है ना मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, हर ऑर्डर इनका अच्छा ही, क्या चक्कर है। कैप्टन अच्छा है इस वजह से, कैप्टन तो इनका अच्छा है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऐसे ही मेरे हिसाब से इसी तरह एग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए हमारी टीम की तरह, नहीं टीमिंग कर ली और उसके यारियां चल रही हैं, ग्रुपिंग हो रही है उसको पता ही नहीं है, एंड में आके अपनी वो फिर बोला कि बरामबाजी दिखा रहे हैं। हां ये सब नहीं होना चाहिए, कब से हमारी टीम के साथ वो कैप्टन एज अ कैप्टन चल रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है टीम में क्या चल रहा है। ग्रुपिंग भाई ग्रुपिंग हो रही है तो पहले बताते, अब तुम इतनी पुअर परफॉर्मेंस देख के तुम बता रहे कि भाई ग्रुपिंग चल रही है। हां कैप्टन का एक ऑर्डर होना चाहिए और सारे प्लेयर, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा जैसे कैप्टन होना चाहिए, एग्रेसिव थोड़े प्रेशर वाले जिससे लड़के डरे हैं और खुद भी अच्छा खेलता है, ये नहीं है। इसी तरह का एग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए और हमारे पास भी एक कैप्टन था इस तरह का, सरफराज अहमद, वो भी इसी तरह प्रेशर देता था लड़कों पे, तो लड़के प्रेशर नहीं होंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे, वो इजी लेते हैं हर चीज को। भाई कैप्टन वो होना चाहिए जो खुद भी अच्छा खेले और अपने प्लेयर्स को भी बोले कि हाँ वो भी वैसे ही खेले, यानी कैप्टन को कुछ आ नहीं रहा और वो जो है कैप्टन बना। और साथ साथ हम बात करेंगे फर्स्ट सेमीफाइनल जो हुआ है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, यार उस बारे में हम बात नहीं कर सके थे क्योंकि एक बहुत बैड सीन हो गया था हमारे साथ, वो ये कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि लास्ट हमने जो मैच की वीडियोस बनाई थी उस पर आ गया था कॉपीराइट स्ट्राइक, और जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिव्यू चल रहा था, अच्छे कमेंट्स थे अच्छे, बस वो शायद मैंने वीडियो एडिटिंग हम लोगों ने सही नहीं करी थी, स्क्रीन आ गई थी, कुछ ऐसा चक्कर हो गया था। तो मेरी वीडियो का क्या हुआ था सिर्फ हाँ भाई दो वीडियोस वायरल हुई थी,
लेकिन हुआ ये था कि वो स्क्रीन की वजह से शायद उन्होंने वो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक देखी थी, तो इसलिए मैं डाउन हो गई थी बहुत ज्यादा। बस एक होता है ना, मायूस हो जाते हैं, मैं हो गई। काउंटर भी भेजा था, काउंटर नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो गया था। मायूसी हुई, लेकिन मैं दो दिन से ज्यादा मायूस नहीं होती हूँ। इस दफा 3-4 दिन हो गए थे, मैं बहुत ज्यादा, मैंने सोचा था हर मैच कवर करूंगी, लेकिन बस जब मेरे दिल को जो बात बुरी लग जाए तो फिर बस मैंने इसीलिए वो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करी। इसी में ही हमारा फर्स्ट सेमी। तो जी आज का मैच तो बिग मैच था, इस पे तो वीडियो बनानी बनती थी। अफगानिस्तान तो टूर्नामेंट से आउट हो गया था, अब आखिरी एशियन टीम बची थी इंडिया, तो इसीलिए हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जीतें और एशिया के लिए वर्ल्ड कप लेकर आएं और हमारी खुशी, हमारे लिए खुशी का बायस बने। हसीब आप क्या कहते हैं इस बारे में? इंडियन टीम डिजर्व करती है, वैसे भी वो डिजर्व भी करती है, ऐसा नहीं कि ऐसे हम चाह रहे हैं वो जीते, डिजर्व करती है यार। बस ये कि टफ मैच होगा, लेकिन चांसेस ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया जीतेगा आज का मैच। ओहो, विराट कोहली फिर से आउट हो गया और इतनी जल्दी आउट हो गया, विकेट उड़ गई है उसकी, यार इतना बुरा खेला। कितने बनाए? एक मुझे नजर भी नहीं आ रहा कितने बनाए। और जी विराट कोहली 9 रन बना के आउट हो गए, बहुत बुरा आउट हुआ है, अब देखते हैं आगे कैसे चलेगी टीम। यार विराट की बैड लक चल रही है इस टूर्नामेंट में, किसी मैच में नहीं चला है विराट कोहली, लेकिन मतलब ये ऐसा प्लेयर है कमबैक कभी भी कर सकता है। जैसे इनके इनका जो बैट्समैन है स्काई, हां सूर्य कुमार यादव, उसने परफॉर्म करके दिखाया, वो उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी लास्ट मैचेस के अंदर, लेकिन अभी 24 से 25 रन हुए हैं देखें, और विराट आउट हो गया, मेन प्लेयर कहते हैं उसे, तो और रोहित अभी खेल रहा है, तो अब देखते हैं कि मैच कैसा चलेगा आगे, कितने रन देंगे, लेट्स सी। अब कौन आया, दूसरा कौन आ रहा है? अच्छा, लेकिन रोहित अभी तक खड़ा हुआ है, रोहित डेंजरस है, देखें अगर इसने रोहित अच्छा खेल ले तो चल सकते हैं, स्कोर आ जाएगा अच्छा खासा। हां ओए होए होए, छक्का मार दिया, जबरदस्त खेल रहे हैं पावर हिटिंग चल रही है, देखते हैं कि कितना देते हैं वो अपना मैच को। और हसीब आप बताएं यार, मैच देख के मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि कैसे कौन सी होता है विराट के बाद, मतलब सेमीफाइनल है, प्रेशर ले सकते थे, लेकिन भाई खुल के खेल रही है इंडियन टीम, भाई छक्के छक्के भी खूब लग रहे हैं, पैंट आउट हो गया इनका, पैंट भी आउट हो गया भाई। अभी तक रोहित अच्छा खेल रहा है, 46 पे और सूर्या कुमार आ गया है, सूर्या कुमार ने भी कमबैक किया, सूर्या आ चुका है, रोहित ने 30 बनाए 19 बॉल्स पे, जो कि बहुत अच्छा है, अभी तक तो सही चल रहा है। रोहित के हो गए हैं 48 और लगता है कि ये हाफ सेंचुरी करेगा, अब ये तो बहुत अच्छा जा रहा है यार। और दूसरा हाफ सेंचुरी पक्के भाई, ये होता है कैप्टन यार, कैप्टन लेकिन खेल रही सेमीफाइनल का, सही खेल रहा है, और ना सूर्या कुमार भी अच्छा खेल रहा है, 27 तक तो हो गए उसके, सूर्या और रोहित चल रहे हैं, और ये छक्का मारा रोहित ने जबरदस्त भाई, और इसके हो गए हैं 6 लिखा है से, वो देखो 56 हो गए, वो जबरदस्त। बाबर आजम आप थोड़ा सा सीख लो रोहित से, हर चीज में आगे जा रहा है, बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है, मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ। ये इन लोगों ने अगर रन अच्छे दे दिए ना तो, और फिर बॉलिंग अच्छी करनी है इन लोगों को, देखते हैं क्या होगा। लग रहा है कि भाई 13 ओवर हो गए इंग्लैंड टीम, भाई 13 ओवर्स में 113 रन, मुझे लग रहा है ये 200 तक जाएंगे, 200 तो नहीं 160-165 तक मुझे लग रहा है। अच्छा फिर भी जी, मैच तो अभी चल ही रहा है, साथ साथ हम बात करते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल की, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं हसीब से पूछना चाहूंगी, हसीब पता है क्या हुआ अफगानिस्तान के साथ? सुनने में आ रहा है बहुत बुरा हाल है अफगानिस्तान, बहुत बुरा नहीं बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने भाई इतनी पेटी चढ़ाई है ना, कह रहे थे बहुत अच्छी टीम है और ये फाइनल तक, नो डाउट बहुत पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है अफगानिस्तान की टीम है, लेकिन सेमीफाइनल में आके मतलब ऐसी पूरा परफॉर्मेंस दिया, मतलब इस तरीके से प्ले कर रहे थे कि वो रोकते रोकते भी आउट हो रहे थे, मतलब वो शॉट्स तो मारे नहीं पा रहे थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गए होंगे वो, मतलब उनसे बॉल्स रोक ही नहीं आ रही थी, उस चक्कर में बोल्ड हो रहे थे वो, मतलब बहुत ही चीप परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन भाई ये सेमीफाइनल तक पहुंच गया समझो, इन्होंने वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि बहुत ज्यादा जश्न वगैरह मनाया गया था, लेकिन चलो ये तो है, हम तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे, अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सेमीफाइनल तक चले गए, उनके हिसाब से वो वर्ल्ड कप जीत गए, और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा के उन्होंने बहुत बड़ी एक हिस्ट्री अपने नाम की है। और यही होता है एक टूर्नामेंट में, अगर आप सेमीफाइनल पे आए हो तो नेक्स्ट में आप सेकंड पे भी जाओगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करो हमारी टीम की तरह। अफगानिस्तान की टीम बहुत ज्यादा बेटर होगी, खासतौर पर राशिद खान की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हुई है इसकी अफगानिस्तान की टीम। तो रोहित शर्मा आउट हो गया खात्मा, क्या रोहित कितने पे आउट है, और रन भाई मैच में कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जरा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना कोई बंदा आउट हो जाता है। कितने रन बने, क्या हुआ, रोहित भाई आउट हो गए। तो जी रोहित शर्मा 57 पे बोल्ड हो गए हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त खेल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा विराट भी बोल्ड हुआ है, रोहित भी बोल्ड हुआ है, ये क्या चक्कर है? कैप्टन इनिंग खेली है रोहित शर्मा ने यार, लेकिन भाई जबरदस्त, मतलब प्रेशर नहीं आने दिया टीम के ऊपर, अपना 50 करके उन्होंने मतलब खुल के खेला है बंदा, हार्दिक पांड्या आ गया
तो 132 रन्स तो हो गए, ये 30 से तो ऊपर चला गया। हाँ, 17 ओवर हो गए, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, हार्दिक पांड्या संभाल लेगा बाकी तो। हार्दिक भी अच्छा प्लेयर है, इनका कोई कम नहीं है वो, और वो भी अच्छा खेलता है, अब देखें वो कहां तक लेकर जाता है। खूब छक्के चौके मार। सूर्या कुमार भी आउट हो गया है और अभी हार्दिक और जडेजा खड़े हैं, लगता है इंडियन टीम पे प्रेशर आ गया है, प्रेशर लेकिन हार्दिक पांड्या बराबर कुछ नहीं कर सकता भाई, बहुत डेंजरस। देखते हैं कहां तक जाता है, अभी कितने 30 से तो ऊपर चला गया मैच, अब देखते हैं कहां तक जाता है। और जी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, अब देखते हैं कहां ले जा रहे हैं मैच को। 40s में भी हो गए भाई, जबरदस्त। कितने ओवर्स हो गए सिर्फ? 17 पे अभी तो रहता है काफी मैच। ये लोग तो बॉल्स ही नहीं जाया कर रहे यार, जबरदस्त। अक्सर आ गया अक्सर जडेजा, सी का फेवरेट भी आउट हो गया, हार्दिक पांड्या और अक्सर आया है हार्दिक, लेकिन दो छक्के लगाए बड़े क्लास के उसके बाद, दो छक्के लगाए क्लास के लगाए, उसके बाद क्लास का आउट हो गया। अक्सर पटेल आ गया, अक्सर पटेल आ गया जडेजा के साथ। लेकिन 162 अच्छा स्कोर दे रही है, 19.2 अवर्स में। हाँ, ये है कि स्कोर बहुत जबरदस्त दिया यार, कोई बॉल कवर, और अब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आ रही है, देखते हैं कि किस तरह से होगी, किस तरह से कवर करेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। बटलर से बचना है, सिर्फ इनका बटलर ही है डरपोक, और भी मतलब जिससे डर लगे हमें, और भी अच्छे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के पास, लेकिन बटलर जो है ना बहुत फास्ट खेलता है। अच्छा, तो मतलब उसने अगर अपनी हाफ सेंचुरी कर ली ना तो मेरे हिसाब से मैच फिनिश करके जाएगा वो। सही, चलो देखते अभी तो मैच स्टार्ट होगा। हाँ, इन्होंने बॉलिंग कैसी करी उस बारे में तो पता है, बॉलिंग अच्छी नहीं करी तभी तो 162 बने इनके। बॉलिंग अच्छी थी मतलब, लेकिन संभल के खेला इंडियंस की टीम ने, फुल के शॉट्स नहीं, इतने कोई फालतू के छक्के चौकों पे नहीं आउट हुए। हाँ, बोल्ड हुए दो मेन प्लेयर्स, प्रॉपर शॉट्स, तो ये नहीं कि हाथों में कैच दे रहे हैं इस तरह से आउट नहीं हुए, अपना पूरा खेल के आउट हुए। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, फुल के शॉट्स नहीं मारे, मतलब ट्राई किए हमारी टीम के साथ, हमारी टीम्स तो ओवर्स उन्होंने वेस्ट नहीं। तो हुआ है इनिंग ब्रेक, अभी मैच स्टॉप हुआ हुआ है, तो जब तक मैंने सोचा कि अपने घर के कुछ काम भी निपटाऊं, यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह उतार देती हूँ ताकि ये भाई भीग ना जाए, कपड़े सूखे रहे यहाँ पे, और ये सब मुझे उतार लें, तो ये उतारते हैं। फिर उसके बाद जो है खाने की तैयारी करनी है, पहले मुझे फोन रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके कपड़े उतारती हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश का वेदर हो रहा है, हो सकता है बारिश तेज हो जाए। साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज खाना भी बनाना है, अभी खत्म हुई है, तो गोश्त वोश्त भी वही बनाना पड़ेगा, हसीब का भी बहुत दिल चाह रहा है, और नमकीन बोटी खाने का तो वो कह रहे हैं वो बनाओ, तो मैं वो बना लूंगी अभी, और फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है उसका रिव्यू भी देंगे, देखते हैं कि क्या हो लगा, वो तो ज़ाहिर सस्पेंस में ही हो गया, तो स्टार्ट होने का वेट। चले जी, काम तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो है मैंने भी चेंज कर लिया, हसीब ने भी, हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना था काम के सिलसिले में, तो अपडेट मैच की मैं लेती हूँ हसीब से। हसीब आप बताएं क्या चल रहा है भाई मैच में, इंग्लैंड कहाँ तक पहुँचा? बटलर आउट हो गया है? आप कह रहे थे बटलर को हराना मुश्किल है, और ये और वो आउट भी हो गया, मैच मुश्किल है बचना, बटलर आउट हो गया, मोइन अली आया, मोइन अली स्लो खेलेगा, लेकिन भाई अभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते, इंग्लैंड जीत सकता है आखिर तक, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता और भी प्लेयर्स अच्छे हों, और खेल रहा है बाकी और भी इनके प्लेयर्स हैं सॉल्ट। अच्छा जी, मैच की तो बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, बटलर आउट हुआ है तो थोड़ा सा चांस जो है इंग्लैंड को कम हुआ है। हाँ, इंडिया ने प्रेशर ले लिया है, आप देखो। अच्छा लग रहा है कि इंडिया चलो देखते हैं भाई, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, नो डाउट, हर बंदा जिस तरह बैटिंग बहुत अच्छी गई उसी तरह बॉलिंग भी बहुत अच्छी जा रही है, अब देखते हैं एंड क्या होता है, एंड का वेट कर रहे हैं, तो वो जरूर देखना, बस एंड देखते हैं मुझे क्या आज होना। तो भाई सॉल्ट भी आउट हो गया, और बहुत ही बुरा आउट हुआ है, विकेटें उड़ गई हैं उसकी, और इतने कम रन में, ये क्या था, 4-5 5 रन पे, और किसने लिए इसकी विकेट? बुमराह तो भाई छा गया, इंडिया ने तो भाई सर पे ले लिया है मैच, और सोच उसने पक्का माइंड बना लिया कि जीतना है, और जबरदस्त चल रहा है गया भाई। उनका यार बहुत जबरदस्त बॉलर है इनका, 42 पे 3 आउट हो चुके हैं इनके। ओए हमारे बच्चे लटक रहे हैं, इधर आओ बेटा, मैच हम इतने उसमें फंसे हैं, आप कहाँ चढ़े हो, जल्दी से और टेबल पे चढ़ाओ। मैच में भी एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और मोइन अली इधर ओ स्टंप हो गया, लो आउट हो गया ये भी, मुश्किल। ये किसने लिया? बुमराह की हम बात कर रहे थे, बुमराह ने तो बड़ा जबरदस्त वो लिया शॉट का, दो बॉलर भाई बेस्ट बॉलर है। अच्छा ये वाली कुलदीप ने लिया, कुलदीप बहुत अच्छी बॉलिंग करता है स्पिनर, मतलब उसको कुलदीप यादव और बैट्समैन के लिए खेलना, और एक बुमराह,
थोड़ा बेस्ट बोला मेरे हिसाब से। बुमराह की तो भाई सोशल मीडिया पे भी देखो तो बड़ी ऐसा बोला ना उसको, जब बोला बॉल देता है वो विकेट निकाल के देता है और बड़ा जबरदस्त बॉलर की भाई क्लास। मैच चल रहा है 55 रन हुए और 5 आउट हो गए यार, जबरदस्त मैच जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये लोग कवर कर पाएंगे। इंग्लैंड थोड़ी सी हो गई है डाउन जी। इंग्लैंड के तो सारे मेन प्लेयर्स हो गए हैं आउट, लेकिन यहाँ मेरी नमकीन बूटी तो बहुत जबरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। शक्ल से भी बहुत प्यारी लग रही है, आप टेस्ट करके तो हंसी भी बताएंगे कि कैसी बनी है। क्योंकि जी अभी तो बकरीद खत्म हुई और जाहिर है अभी तो गोश्त ही गोश्त बनना है, और अब यहाँ तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा वेदर था मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि बहुत हसीन वेदर हो रहा है। कुछ दिनों से तो बहुत गर्मी थी, लेकिन माशाल्लाह ये देखें गार्डन कितना हसीन लग रहा है, ग्रीनरी देखो। बहरिया की यही तो बात अच्छी लगती है कि जब बारिश हो जाए ओहो हो। वैसे बहरिया की एक यही खूबी अच्छी है कि बारिश के बाद ना चीजें, गार्डन, दरख्त, ग्रीनरी, हर चीज निखर के बाहर आ जाती है। तो भाई इंग्लैंड ने ले लिया है प्रेशर और लाइन लग गई एक के बाद एक जाए जा रहा है। और ये कुलदीप यादव ने लिया ना एक और, अच्छा अक्सर ने लिए। तो अब बताए क्या चल रही है सिचुएशन, इंग्लैंड ने तो प्रेशर ले लिया है, क्या करेंगे अभी लोग? तो बहुत मुश्किल है, एक के बाद एक जाए जा रहा है। देखो जरा 8वां भी आउट हो गया, 88 रन। इन्होंने तो 100 भी पूरे भी किए। What? यार इतना गंदा खेलती नहीं इंग्लैंड की टीम, बहुत ही हैरानगी हो रही है यार। इंडिया ने ऐसा उनको दे दिया और ऐसा प्रेशर दिया कि वो 100 भी नहीं कर पाए। नो डाउट यार इंडियन टीम भाई तीनों डिपार्टमेंट में बेस्ट है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन है भाई, जबरदस्त कर दिया। सारे प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है, इन लोगों ने हैरानगी हो रही है यार। टीम होती है ऐसी जो सारे एक साथ चले और बारी बारी सब कवर कर रहे हैं, बल्कि जो बैटर्स हैं उनको बॉलिंग का भी पता है, उनको फील्डिंग का भी पता है। ये नहीं कि जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना, हर चीज कवर कर रहे हैं। और देखो कितना अच्छा खेला यार। ओहो ये रन आउट हुआ अदील, आदिल अदील जो भी है यार, इनके रन देखो जरा। लास्ट विकेट है, ओहो हो लाइन लग चुकी है, वन बाय वन सब जा रहे हैं और इंडिया फिनिश हो गया 103 103 बनाए यार, उन्होंने कितने दिए थे 165 ना। बहुत बुरा हार है इंग्लैंड और भाई गया इंग्लैंड हाथ से और सेमीफाइनल जीत चुका है इंडिया। इंडिया ने भाई बाजी ले ली है जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है ये सूर्या लोग, वाह भाई वाह जबरदस्त हो गया। अब ये लोग अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा यार, बहुत जबरदस्त खेला। इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया डिजर्व भी करता है और वो हो सकता है कि वो ही जीते, जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट रहा है हर प्लेयर का, उसमें किसी को हम ये बोल भी नहीं सकते कि ये इसने बुरा खेला, ये विराट खेला। अच्छी होगी कि मतलब अगर फाइनल भी जीतता तो मतलब पूरे टूर्नामेंट में एक मैच लूज निकलेगा जेके लिए। हां यार बहुत अच्छी जेके लिए, जब इतनी मेहनत करी और इतने उससे खेला है ना उन्होंने, तो उनको फिर मिलना भी चाहिए। तो हमारी तरफ से भाई फाइनल तो इंडिया का, पाकिस्तान का क्या होगा, उसकी क्या सर्जरी होनी थी तो ये होना था वो होना था, वो क्या चक्कर था सिर्फ पाकिस्तान का क्या होगा यार, सर्जरी ड्रामेबाजी है। एक तो हमारी आवाम भी इतनी वो ना वो है, क्या कहते हैं पीछे गालियां बकते हैं सही है, वो हमारी टीम सारी एक एक करके बंदे आ रहे थे एयरपोर्ट पे, वहाँ उनको पकड़ना चाहिए था। नहीं सेल्फी ले रहे, सेल्फी ले रहे भाई, कुछ लोग उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं भाई। चलो हार जीत होगी, पहले के टाइम पे इस तरह चीप वो करते थे बैटिंग वगैरह, हाँ। या टूर्नामेंट में इस तरह आउट होके आते थे तो मतलब एयरपोर्ट में ये होता था कि डर डर के आते थे, इधर उधर से भाग भाग के निकलते थे, रात के अंधेरे होता नहीं क्या क्या फेमस था। तो अब तो देखो भाई वो आगे पावर साफ उनकी अलग गर्मबाजी शुरू हो गई है कि भाई क्या कहते हैं मेरे खिलाफ थे जिसने बोला उसको जाने का नोटिस दूंगा, तो ये करूंगा मैं वो। तो देखो अभी तो इन तीन प्लेयर्स को रेस्ट दिया है या पता नहीं साइड लाइन किया है, मैं वही पूछूं रिजवान को, बाबर रिजवान और शाहीन और बाबर का सुन रहे थे टीमिंग ग्रुपिंग वगैरह की बातें चल रही थी, शाहीन अफरीदी और ये बाबर आजम की नहीं बनती थी, तो इन दोनों के नाम ज्यादा आया था। चलो भाई देखते हैं इन दोनों को रेस्ट दिया है या इनको साइड पे बिठाया है, बांग्लादेश का दौरा है नेक्स्ट, तो उसमें पूरी नई टीम सुनने में आ रहा है कि पूरी नई टीम होगी उसके अंदर। तो जी वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, सेमीफाइनल हुआ इंडिया के नाम, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत अच्छा लगा मैच, बहुत जबरदस्त चला, ऐसी हार जीत में बड़ा मजा आता है। और कुछ कहना चाहेंगे सी? गुड लक इंडिया फाइनल का, अब हम वेट करेंगे और ऐसी टीम्स को देखने में बड़ा मजा आता है जो टफ का टाइम देती है ना, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। सो विराट के लिए एक ये है कि उसको भाई अच्छा खेलना चाहिए, परफॉर्म करेगा फाइनल में, चलो अल्लाह करे के
इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आए, हमें भी बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा, हमारी एशियन टीम के नाम ये टाइटल आएगा। बेस्ट ऑफ लक इंडिया, आगे बढ़ो और बढ़ते रहो। और अपना मैं ये सब वीडियो एंड करती हूँ, अपना सब ख्याल रखें, कंफ्यूज हो गई, अपना सब बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और बहुत सारा प्यार बरसाएं। अल्लाह हाफिज़।